दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 11 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट, पीसीएसजे परीक्षा को लेकर के 79,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा 2022 कल यानी रविवार को प्रयागराज समेत 5 जिलों में करवाई जाएगी। 79,561 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। दो दो घंटे के यहाँ पर दो पालियों में 9:30 से और दिन में 2:30 बजे से परीक्षाएं होंगी। सबसे अधिक आगरा में 23,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग समय से निकलिएगा क्योंकि थोड़ा सा दूर सेंटर है और यहाँ पर जो है अपना अच्छे से तैयारी करके जाइए। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि 1,487 मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होंगी 1,974 स्टाफ नर्स। प्रदेश के 1,487 राज्य मेडिकल कॉलेजों में 1,974 स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी परीक्षा का जिम्मा संजय गांधी पीजीआई को सौंपा है। मेडिकल कॉलेजों में 4 वर्षों में 8,000 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्तियां होंगी। ठीक है, तो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि जिन 1,487 राज्य मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसमें अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर व जौनपुर आदि के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है सीयूईटी को लेकर के, यूजी को लेकर के अपडेट है कि 80,000 छात्रों ने आवेदन किया। विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पहले दिन ही 80,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 12 मार्च तक है। ये परीक्षा 21 से 31 मई के बीच आयोजित होगी। छात्र इस परीक्षा के लिए अधिकतम 10 विषयों का चयन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा विषय चुनने से उन्हें अब ज्यादा फीस चुकानी होगी। वैसे अभी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सीयूटी की परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की गई है। एनटीए ने सीयूटी यूजी 2023 की आवेदन को लेकर के विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। यदि कोई सामान्य वर्ग का छात्र सिर्फ 3 विषयों का चयन करता है तो उसे बतौर फीस 750 रुपए चुकाने होंगे। 7 विषयों का चयन करता है तो 1,500 रुपए और यदि 10 विषयों का चयन करता है तो 1,750 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह ओबीसी और SC ST को भी ज्यादा विषयों के चयन पर ज्यादा फीस चुकानी होगी। तो आप लोग देख लें और जो भी इंटर वाले छात्र हैं, जो इस साल इंटर कर रहे हैं या अपियरिंग में है, तो इस ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए इसी के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेंगे, तो आवेदन जरूर करें। स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में अपडेट है कि स्किल टेस्ट 15 से प्रवेश पत्र जारी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2022 भर्ती का स्किल टेस्ट 15 और 16 फरवरी को प्रयागराज में होगा। शुक्रवार को कर्मचारी चयन आयोग ने इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। SSC की क्षेत्रीय वेबसाइट से भर्ती से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम 9 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें 60,346 अभ्यर्थी सफल किए गए थे। सफल अभ्यर्थियों में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 13,100 हैं और ग्रेड डी के लिए 47,246 अभ्यर्थी सफल हैं। तो इनका जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं UP SSC की 2 नोटिस के बारे में। कल 10 फरवरी को देर रात ये नोटिस जारी हुई है। पहली जो यहाँ पर भर्ती है वो 2019 की भर्ती है, वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक। तो इसमें जो है जब विज्ञापन जारी किया गया था तो करीब यहाँ पर 596 पद थे वन रक्षक के और 59 पद थे वन्य जीव रक्षक के, 655 पद थे कुल मिलाकर के टोटल। तो जब विज्ञापन जारी किया गया तो इसमें EWS के पद शामिल नहीं थे। अब इस भर्ती में EWS के पदों की भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नया जो पदों का ब्यौरा इस तरीके से है, पदों की संख्या उतनी ही है, सिर्फ यहाँ पर EWS के पद जो है वो अतिरिक्त दे दिए गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत, उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आप लोगों को इस भर्ती में रिजर्वेशन दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो आपके वन रक्षक में देखिए 59 पद रहेंगे और जो वन्य जीव रक्षक उसमें 5 पद आपके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। दूसरी नोटिस की बात कर लेते तो यहाँ पर दूसरी नोटिस जारी की गई है
और इसमें सिलेबस जारी किया गया है 10 फरवरी की। ये भी नोटिस है, अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 62 पदों पर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट भर्ती का, जिसके लिए आवेदन जो 19 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक लिए गए थे। तो उसमें उस समय जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस नहीं जारी किया गया था, तो अब जो इसका सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें पीडी के माध्यम से भर्ती हो रही है और सीधे मुख्य परीक्षा होनी है, तो उसी का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, जिसमें बताया गया कि लिखित परीक्षा जो होगी एक पाली में होगी, कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, समय जो रहेगा तो टोटल 2 घंटे रहेगा, वैकल्पिक प्रकार के यहाँ पर प्रश्न होंगे यानी वैकल्पिक एमसीक्यू होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और लिखित परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 का भी प्रावधान रहेगा। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा तो बताया गया है जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें 4 भाग होंगे। पहला भाग होगा हिंदी परिज्ञान एवं लेखक योग्यता का 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 प्रश्न रहेंगे, सामान्य जानकारी 25 प्रश्न रहेंगे, अवस्थापना व औद्योगिक विकास संबंधित विषयगत ज्ञान जो है 20 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा संयुक्त रूप से। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया 1/4 की रहेगी। डिटेल्ड पाठ्यक्रम यहाँ पर देखो अलग अलग दिया गया कि भाग 1 में क्या पढ़ना है, भाग 2 में क्या पढ़ना है, भाग 3 में क्या पढ़ना है और भाग 4 में क्या पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया और उसी के अनुरूप अपनी जो तैयारी है कर सकते हैं। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि देश में 100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर सॉल्व कराने वाला गैंग दबोचा गया। अलीगढ़ की इगलास थाना पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा, सरगना फरार है। यूपी बीएड सहित देश भर में 100 से अधिक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्व कराने वाले एक बड़ा गैंग इगलास थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना अभी भी फरार है। तो अच्छी बात है कि सरगना अभी मतलब जो गैंग पकड़ा गया, लेकिन सरगना जल्दी पकड़ा जाए और 100 से अधिक भर्ती परीक्षाओं में इसने देखिए धांधली करवाई, पेपर सॉल्व वगैरह करवाए हुए। इस तरीके से भी और भी बहुत गैंग सक्रिय हैं, जब तक बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये जो है ऐसे ही करते रहेंगे। अगली अपडेट देखो कि कैशलेस चिकित्सा को 28 तक आवेदन, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए कैशलेस सामूहिक चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के आवेदन की जो अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा करके 28 फरवरी कर दी गई है। सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 8 फरवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक एवं कर्मचारी वेबसाइट ये दी गई है, यहाँ पर 28 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए 1 मार्च तक प्रिंट आउट 4 प्रतियों में हस्ताक्षर करके खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। तो कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए जो है आवेदन जो है वो 28 तक हो गए हैं। देखो एक अपडेट ये है कि पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी की तलाश, कभी युवाओं के सपनों का शहर आज बेरोजगारी के अजीब दौर से गुजर रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में किशोर रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। जिस उम्र में लड़के लड़कियां इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसमें नौकरी की तलाश में हजारों किशोरों ने रोजगार कार्यालय के पोर्टल पर नाम लिखवा रखा है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 17 साल से कम उम्र के जो किशोर हैं उन जिनको नौकरी चाहिए उनकी संख्या 7518 है और 30 से 39 लाख साल के जो लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है और ये रोजगार कार्यालय में अपने नाम लिखवाएं कि नौकरी चाहिए इनको। और यहाँ तक की हालत ये है कि 50 साल के जो ऊपर हैं वो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो कुछ डाटा दिया गया है सेवायोजन कार्यालय का, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। अंतिम अपडेट है यहाँ पर बीएड मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी बीएड में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो चुकी है 10 तारीख से। पहले दिन ही 4858 छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, 615 ने फीस भी जमा कर दी है। 10 मार्च तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 10 तारीख से पहले यहाँ पर जरूर आवेदन कर दें, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो इसका हमने कल बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।